हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी क्लास आयुष। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग डिजीज़ कॉजेस एंड कंट्रोल का जो फर्स्ट पार्ट था वो हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। उस वाले वीडियो में हम लोग डिजीज़ कॉजेस बाय बैक्टीरिया, डिजीज़ कॉजेस बाय वायरस, वैक्सीन क्या होती है, ये सब हम लोग वहाँ पर पढ़ चुके थे। इस वाले वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का यहाँ से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे, हेपेटाइटिस से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हेपेटाइटिस जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है HAV और दूसरा होता है HBV। ठीक है, तो हेपेटाइटिस दो तरह का था। ये पहला जो हेपेटाइटिस ए वायरस है, ये कैसे फैलता है? तो ये फैलता है फेसियस ओरल रूट से। अगर मान लो किसी इंसान ने यूरिन पास किया या फिर उसने फेस कर दिया कहीं पे, लैटरिन कर दिया, और उसके जो फेस होती है वहाँ पे वो जो वायरसेस होते हैं वो रह जाते हैं। और अगर किस तरह से वो वायरस, अगर मान लो हमारे खाने में, हमारे पानी में या फिर हमारे किसी भी तरह से फूड में वो चला आए, तो इससे अगर वो फूड हम लोग खा ले, तो जो कंटेमिनेटेड फूड है अगर हम लोग उसको खा ले, तो वो HA वायरस जो है, हेपेटाइटिस का ए वायरस जो है वो हमारे अंदर में चला आ सकता है। दूसरा इसका टाइप है हेपेटाइटिस बी वायरस। ठीक है, ये नॉर्मली किसी तरह से हमारे बॉडी में तो नहीं आ सकता, लेकिन अगर कोई मदर इन्फेक्टेड है और उस मदर का बेबी होता है, ठीक है, अगर वो मदर प्रेग्नेंट है, उसका बेबी होता है, तो वो बच्चे के अंदर भी चला आ सकता है। ठीक है, इसके बाद इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है HAV का, उसका 25 से 30 डे होता है। यानी अगर आपने किसी तरह से HAV वायरस अपने अंदर ले लिया है, तो 25-30 डेज तक आपके बॉडी के अंदर पता भी नहीं चलेगा कि आपको, आपके अंदर वो वायरस चला आ गया है। इसके बाद HBV वायरस जो है, जो बच्चे से, जो माँ से बच्चे के अंदर फैलता था, वो 60-90 डेज तक पता भी नहीं चलता कि उस बच्चे के अंदर HBV वायरस है। अब दोनों के सिम्टम्स सेम होते हैं। ठीक है, तो सिम्टम्स क्या है इसमें? फीवर आता है, उसके बाद डिक्रीज एपेटाइट, आपको कुछ करने का मन नहीं करेगा, भूख नहीं लगेगी, इवन नॉजिया यानी उल्टी हो सकती है, वॉमिटिंग आ सकता है, और पेन इन द मसल्स, मसल में और जॉइंट्स में पेन हो सकती है। इसके अलावा हमारा यूरिन जो है वो डार्क हो जाता है, यूरिन का कलर बहुत ही डार्क हो जाता है, स्टूल का कलर जो होता है वो वाइटिश हो जाता है। ठीक है, इस क्यों होता है ये? क्योंकि इससे हमारे बॉडी के अंदर जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं वो सारे, उनका जो नंबर होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, ल्यूकोसाइट्स क्या थे? तो ये वाइट ब्लड सेल्स थे, ये हमारे बॉडी के अंदर बैक्टीरिया और वायरस से लड़ते हैं। इवन जो लाइम्फोसाइट्स हैं उनका नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, इसके साथ ही लिवर डैमेज हो जाता है, और जो हमारा लिवर है वो बिलबरीन रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो बिलबरीन जो होता है एक येलो कलर का सब्सटेंस होता है जो हमारे बॉडी के अंदर होता है, जो हमारे बॉडी के कुछ डाइजेशन का काम करता है। लेकिन अगर ज़्यादा बाइल जूस या बिलबरीन रिलीज़ किया जाए तो हमारा बॉडी जो है वो पूरे तरह से येलोविश हो जाता है। ठीक है, तो जॉन्डिस में भी इसी तरह का दिखता है, हमारा पूरा बॉडी जो है वो जॉन्डिस हो जाता है, तो पूरा पीला पड़ जाता है। ठीक है, येलोविश हो जाता है। अब इसका प्रिवेंशन कैसे हो सकता है? तो पहला, कंटेमिनेटेड फूड और वाटर को नहीं खाया जाए। ठीक है, इससे हम लोग नहीं खाकर बच सकते हैं। इसके बाद क्लोरिनेटेड वाटर या बॉयल वाटर का इस्तेमाल किया जाए, जब तक आपके वहाँ पे, आपके एरिया के आसपास वो जो वायरस है वो फैला हुआ है। इसके बाद स्क्रीनिंग ऑफ किचनिंग टॉयलेट्स एंड किलिंग ऑफ फ्लाइज, हमारे किचन को साफ रखा जाए, टॉयलेट्स को साफ रखा जाए, और उसके अंदर जो फ्लाइज हैं, मक्खियां हैं, उनको मार दिया जाए। इसके अलावा प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ एक्सक्रेटा, तो यहाँ पे जो यूरिन होता है या फिर जो फेस होते हैं इनको सही से डिस्पोज कर देना। इसके बाद टेकिंग बॉयल्ड फूड, ज़्यादातर बॉयल्ड फूड खाई जाए और लो प्रोटीन खाया जाए, फैट प्रोटीन और लो खाना पड़ता है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि लिवर हमारा जो है वो डैमेज हो चुका है, और प्रोटीन के से जो हार्मफुल चीज़ें बनती हैं उनको हमारा लिवर ही साफ़ करता है। तो जो अगर डैमेज हो गया है और आप उसको ज़बरदस्ती काम करवा रहे हो, तो वो और ज़्यादा ख़राब हो जाता है या डैमेज हो जाता है। इसके अलावा कुछ कंट्रोल्स भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे हम लोग तुरंत मेडिसिन ले सकते हैं, उसके बाद जितना रेस्ट ज़रूरी है वो रेस्ट लिया जाए, टेकिंग एडिक्वेंट रेस्ट। इसके बाद हाई कैलोरी डाइट्स खाई जाए, जैसे शुगर केन का जूस, उसके बाद रेडिश गुड़, ये सब खाया जाए, क्योंकि ये बहुत कैलोरी ज़्यादा होती है, इसमें हमको कम खाना पड़ता है और हमारे अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी बनी रहती है। उसके बाद प्रोटीन और फैट को कम से कम खाया जाए। ठीक है, इस टाइम पर हमें प्रोटीन और फैट को कम खाना है। इसके बाद हम लोग यहाँ आ जाते हैं, तो यहाँ पे एक और डिजीज़ है, इसका नाम है एड्स।
ठीक है, इसको फुल फॉर्म दिया गया है अक्वायर इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, नाम से ही ये बहुत ज़्यादा क्लियर करता है अपने आप को कि ये क्या है। ठीक है, तो इसके सिंड्रोम, ये जो अक्वायर इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, इसको कॉमनली एड्स कहा जाता है और ये एक फैटल डिजीज़ है, मोस्ट फैटल डिजीज़ अभी तक हमारे ह्यूमन हिस्ट्री में है। इसका अभी तक कोई इलाज नहीं है, यानी इसको अगर एक बार हो गया तो उससे तो मरना तो तय है, क्योंकि इसमें अभी तक कोई इलाज हम लोग निकाल नहीं पाए हैं। इसका कोई वैक्सीन या फिर इसका ऐसा कुछ भी हमारे पास अभी तक तो नहीं है। ठीक है, ये नॉर्मली सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है, यानी अगर किसी इंसान को एड्स हुआ है और उस इंसान के साथ कोई सेक्स करता है या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिट करता है, तो ये उस इंसान से हेल्दी इंसान के अंदर चला आ जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा ये ब्लड के ज़रिए भी ट्रांसमिट करता है। अगर मान लो किसी इंसान में एड्स हुआ है और उसका ब्लड किसी तरह से गलती से या फिर किसी तरह से आपके अंदर चला जाए, तो उस आपको या फिर उस हेल्दी इंसान को भी एड्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये ब्लेड से भी हो सकता है। अगर मान लो किसी इंसान का ब्लेड से, मान लो शेविंग कर रहा था कहीं पे और उस ब्लेड से कट गया हो उसका, और उस ब्लेड में वो वायरस लग गया हो, और फिर दोबारा अगर किसी हेल्दी इंसान को उसी ब्लेड से अगर साफ़ किया जाए या फिर उसी सेफ किया जाए, तो वो ब्लेड अगर फिर से कट जाए तो वो जो ब्लेड से वो जो वायरस है वो अच्छे इंसान के ब्लड में चला जाएगा। और जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, जब किसी इंसान को ब्लड देते हैं, तो भी ऐसा हो सकता है। लेकिन नॉर्मली अभी रूल्स बन चुके हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के पहले ब्लड को पूरी तरह से चेक करना पड़ता है और उसके बाद ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो होता है वो हो सकता है। ठीक है, एड्स एक पेंडेमिक था क्योंकि ये पूरे दुनिया में फैला हुआ है। ठीक है, इससे होता क्या है, तो ये इम्यूनो डेफिशिएंसी है, ये आपके इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देता है, यानी ख़त्म कर देता है आपके इम्यून सिस्टम को। इससे क्या होता है, आपका इम्यून सिस्टम जो है वो छोटे छोटे वायरस, छोटे छोटे बैक्टीरिया, उनसे नहीं लड़ पाता। सिंपल से जो फीवर होती है, इन सब से भी हमारा जो बॉडी है वो नहीं लड़ पाता। और एट द लास्ट जो छोटे मोटे वायरस, फीवर्स और छोटे मोटे जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं, जिससे हमारा बॉडी पहले एकदम ठीक था, अब उसी से हमारा बॉडी जो है वो डेथ हो जाता है या फिर वो मर जाता है। ओके, कैजुअल कॉन्जेटिव ऑर्गेंस, तो इसमें ये एक पैथोजेंस से होता है। इस पैथोजेंस का नाम है एड्स। ठीक है, सॉरी एचआईवी वायरस। ये एचआईवी वायरस से जो एड्स है वो होता है। इसके बाद यहाँ पे ये जो पहले पार्ट है इसको बाद में पढ़ते हैं, पहले हम लोग एड्स को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, ये बहुत छोटे इसके वायरस होते हैं, ये हमें आँखों से बिल्कुल नहीं दिखते। और हम लोग जानते हैं कि एड्स जो वायरसेस हैं वो बिल्कुल भी किसी को भी आँखों से नहीं दिखते हैं। ठीक है, ये नॉर्मली इन्फेक्टेड इंसान से ही हमारे अंदर फैल सकता है। इसके बाद हाउ डज एचआईवी कॉज एड्स, कैसे हमारे अंदर एचआईवी से एड्स हो जाता है, एचआईवी वायरस कैसे एड्स बनाते हैं। तो देखो, द ब्लड इन ह्यूमन बीइंग कॉन्टेन मेनी टाइप ऑफ सेल्स विच हैज़ डाइवर्स रोल इन फाइटिंग इन्फेक्शंस। वन ग्रुप ऑफ दीज आर कॉल्ड लेम्फोसाइट्स। तो हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड सेल है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे सेल्स हैं जो वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने के लिए, इन्फेक्शन से लड़ने के लिए बने हैं। तो उसमें एक ग्रुप है लैम्फोसाइट्स का। ठीक है, लैम्फोसाइट्स जो होती हैं वो हमारा मेन इम्यून सिस्टम का पार्ट बनाती हैं। ठीक है, लैम्फोसाइट्स के कारण ही हमारा इम्यून सिस्टम बनता है, जो हमें वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने में हेल्प करता है। अब लैम्फोसाइट्स बनाने के लिए हमारे बॉडी को दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक होता है बी सेल और एक होता है टी सेल। ठीक है, तो बी सेल जो होती है वो हमारे बॉडी के अंदर बोन मैरो में बनता है। ठीक है, बोन मैरो के अंदर हमारा बी सेल जो होता है वो तो बन जाता है, लेकिन अब जो हमारा टी सेल, जो एच आई टी सेल जो होता है, ये हमारे एंटीबॉडीज से बनता है, और यही दोनों मिलके हमारे बॉडी के अंदर बैक्टीरिया और वायरस या जर्म्स जो होते हैं उनसे लड़ते हैं। लेकिन एचआईवी जो होता है वो क्या करता है, वो सिंपली जो टी सेल होते हैं ये उनको ख़त्म कर देता है, ये टी सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके कारण हमारे बॉडी में ठीक से जो एंटीबॉडी का जो प्रोडक्शन था वो ठीक से नहीं हो पाता, और इसी तरह से हमारा बॉडी जो है वो ठीक से बैक्टीरिया और वायरस से लड़ नहीं पाता, और इसी कारण से एचआईवी से हमारा जो एड्स नाम का बीमारी है वो हो जाता है। इसके आज तक कोई कंप्लीट क्योर नहीं बना है। इसका अगर हो गया तो वो कम्प्लीटली किसी इंसान को किल करता है, और नॉर्मली देखा गया है कि एचआईवी जो होता है वो किसी भी इंसान को नहीं मारता, उससे जो रिएक्शन होता है एचआईवी सिर्फ जो टी सेल है उसको ख़त्म करता है। लेकिन अब टी सेल ख़त्म होने के कारण जो रिएक्शन हुआ है उस कारण से वो जो इंसान है वो मर जाता है। ठीक है, तो नॉर्मली डायरेक्टली तो ये किल नहीं करता, लेकिन इनडायरेक्टली ये इंसान को मार देता है, और इसका कोई इलाज अभी तक तो नहीं बना है।
मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे फैलता है ये। तो सेम वही, ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलता है, अगर इन्फेक्टेड इंसान से वो सेक्स कर ले तो उससे फैल सकता है, या फिर एक्सपोजर ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड, अगर किसी इंसान को वो हुआ है एड्स और उसका ब्लड अगर किसी हेल्दी इंसान को दे दिया जाए तो इससे भी ये फैल सकता है। इसके अलावा तो इसके लिए देखो, सिरिंज जो होती है, इंजेक्शन जो होता है, उसको एक ही बार यूज़ करके फिर फेंक दिया जाता है ताकि ऐसा गलती दोबारा नहीं हो जाए। इसके बाद ऑर्गेन ट्रांसप्लांट के टाइम, अगर मान लो किसी इंसान का ऑर्गेन जो इन्फेक्टेड था और उस किसी हेल्दी इंसान में डाल दिया जाए तो उससे वो जो इंसान है वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा एड्स से। इसके बाद ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो अगर मान लो किसी मदर को एड्स है और उसका अगर वो बेबी को प्रोड्यूस करती है यानी बच्चे को जन्म देती है तो उस बच्चे के अंदर भी एड्स होगा, ठीक है, ऐसे भी ये फैल सकता है। इसके बाद इनक्यूबेशन पीरियड, इसका इनक्यूबेशन पीरियड बहुत लंबा होता है, ये 15 से 57 मंथ का होता है, यानी ये मतलब शुरुआत के तो 2-3 साल तक तो पता भी नहीं चलता है कि इंसान के अंदर ये वायरस है। इसके बाद इसके सिम्टम्स क्या हैं, तो इसके सिम्टम्स ये हैं, तो इसके सिम्टम्स ये हैं कि इंसान को फटीग फील होगा, बहुत थका थका फील करेगा, वेट लॉस हो सकता है, इवन फीवर और स्वेटी प्रॉस्परसली हो सकता है, यानी हाथ पैर में पसीना आएगा और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकता है। इसके बाद परसिस्टेंट ड्राई कफ, ओरल रैश और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकता है, यानी खांसी आएगी, स्किन पर रैश दिख सकता है। इसके बाद इसमें कुछ डायरिया जैसा प्रॉब्लम भी हो सकता है। इसके बाद स्किन जो है वो ब्लॉचेस हो जाएगी, स्किन बहुत सूखी सूखी हो जाएगी, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, इवन स्किन कैंसर तक हो सकता है। इसके बाद इसमें एक तरह का लंग डिजीज़ भी हो सकता है जिसको न्यूमोसाइटिस कैरनीस कहते हैं, ठीक है, ये भी एक तरह का हमारा एक डिजीज़ है जो फैटल हो सकता है क्योंकि इस टाइम पे हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बिल्कुल ही ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक से नहीं लड़ पा रहा है वो इन बैक्टीरिया और उन वायरसेस से। इसके बाद नर्वस सिस्टम जो है वो हेल्दी इंसान का जो नर्वस सिस्टम है वो इफेक्ट हो जाएगा और उससे मेमोरी लॉस में प्रॉब्लम हो सकती है, यानी उसे याद रखने में तकलीफ हो सकती है, इवन एबिलिटी टू स्पीक भी हो सकता है, यानी उसको बोलने में भी तकलीफ हो सकती है और इसके कारण इंसान जो है वो कुछ दिन में मर जाता है, ठीक है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, इससे हम लोग कैसे बच सकते हैं, तो देखो इसको कोई मतलब इसका तो कोई क्योर नहीं है तो इससे बचना ही सबसे अच्छा है। इसके बाद क्या कैसे बच सकते हैं, तो अवॉइड मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स, यानी एक से ज़्यादा लोगों के साथ सेक्स नहीं करना चाहिए। उसके बाद कॉन्डम्स का इस्तेमाल किया जाए, इससे क्या होगा, तो इससे हम लोग अगर एक से ज़्यादा मेंबर से कर रहे हैं सेक्स तो वो हमारे अंदर नहीं जाएगा। इसके बाद प्रोस्टिट्यूशंस को बंद कर देना चाहिए क्योंकि उसमें एक बहुत सारे इंसानों के साथ सेक्स किया जाता है। इसके बाद इसमें जो ब्लड ट्रांसमुलेशन होता है उसके पहले ही उस ब्लड का जांच कर लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नीडल्स को शेयर नहीं करना चाहिए, चाहे वो टैटू करते टाइम हो या फिर इंजेक्शन देते टाइम हो। इसके बाद सिरिंज और नीडल को सही से डिस्पोज करना चाहिए। उसके बाद प्रेगनेंसी के टाइम जो मदर हैं उनको, जो HIV पॉजिटिव मदर्स हैं उनको प्रेगनेंसी अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उसके बेबी के अंदर भी वो वायरस जाएगा और एट लास्ट कुछ ना कुछ दिन के बाद या 5-6 साल के बाद वो बच्चा ऐसे भी मर ही जाना है, ठीक है। और नॉलेज फैलाई जाए कि HIV कैसे स्प्रेड होता है, नॉर्मली साथ बैठने से या साथ खाने से ये स्प्रेड नहीं होता, सिंपली अगर उसके इंजेक्शन को हम लोग यूज़ कर ले या फिर उसके साथ सेक्स कर ले तो हो सकता है। तो इस तरह के जो चीज़ें हैं इसको पहले एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। HIV एक खुद ही वीक वायरस है, ये नॉर्मली हवा या पानी के जरिए हमारे बॉडी के अंदर नहीं जा सकता, इसको डायरेक्ट कांटेक्ट करेगा तभी हमारे बॉडी के अंदर ये जाएगा, ठीक है। स्नीजिंग, हगिंग, इस सब से ये नहीं जा सकता। इवन ये जो इंसेक्ट बाइट्स और ये सब है, हैंकरचिप, कॉम, ये सब शेयर करने से भी ये बॉडी के अंदर नहीं जाता है, लेकिन अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। किसी को भी पब्लिक टॉयलेट या फिर स्विमिंग पूल से या फिर शावर या टेलीफोन से HIV नहीं हो सकता। इसके बाद टच करने, उसके साथ बैठने या फिर उसके साथ खाने से भी HIV नहीं हो सकता, ठीक है। तो HIV हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग इसके पहले वाला जो ऊपर का पार्ट था ये हमने छोड़ दिया था, तो ये एक बार हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ये इसमें सबसे पहला हेपेटाइटिस ए वाला जो था, ये वाला हमारा डिजीज़ है, ये 25-30 डे का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, यानी अगर किसी इंसान के अंदर ये हो गया है, ये बॉडी के अंदर चला गया है, तो 25-30 डेज तक पता तक नहीं चलता कि उसके बॉडी के अंदर ये चला गया है, ठीक है। कौन सा वायरस से ये होता है, तो ये HAV वायरस से होता है।
इसके बाद ये फूड और वाटर से फैलता है, कंटामिनेटेड फूड, अगर वो गंदा खाना और गंदा पानी है जिसके अंदर वो HIV वायरस है, ये उससे फैल सकता है। इसमें होता क्या है, इसमें सेम वही नौजिया, वेट लॉस, एपेटाइट लॉस, जॉन्डिस, डार्क कलर यूरिन, ये सब हो सकता है। इसके बाद इसका वैक्सीनेशन ही एकमात्र उपाय है, और सैनिटाइजेशन करके ही खाना को खाना चाहिए, प्रॉपर सैनिटाइजेशन मेंटेन करके रखना चाहिए, खाना आपका बिल्कुल भी गंदा या फिर रोड साइड नहीं होना चाहिए। इसके बाद हेपेटाइटिस बी, इसका इंक्यूबेशन पीरियड 60 से 90 डेज का होता है। ये मदर से बेबी के अंदर हो रहा था और ये HAV वायरस से हो रहा है, HBV वायरस से हो रहा है। ये कैसे होता है, तो ये सिंपली इन्फेक्टेड ब्लड से हो सकता है, या फिर मदर से बेबी के अंदर हो सकता है, या फिर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी ये हो सकता है। और इवन जो यूज़ किया हुआ सीरिंज है उसको अगर यूज़ किया जाए तो उससे भी ये हो सकता है। इसमें भी सेम प्रॉब्लम्स आती हैं, नौजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, जॉन्डिस और लिवर फेलियर तक हो सकता है। इसके लिए क्या करना पड़ता है, तो इसके लिए इम्यूनाइजेशन करना पड़ता है। बच्चे को जब स्टार्टिंग में जब बच्चा होता है तो उससे पहले ही एक हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन दे दिया जाता है, ठीक है, ताकि उसको आगे ऐसा नहीं हो। इसके बाद हेपेटाइटिस सी बोल के भी एक वायरस है, ठीक है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड 14 डे से 180 डे का होता है। और इसका फैलाने वाला कौन सा वायरस है, तो ये हेपेटाइटिस सी वायरस है जो ये फैलाता है। इसके बाद रीयूज ऑफ नीडल ब्लड ट्रांसप्लांटेशन से ये होता है। इसके भी सेम प्रॉब्लम्स आती हैं, फटीग, फीवर, डिजीज एपेटाइट, डिक्रीज ऑफ एपेटाइट, वॉमिटिंग, जॉइंट्स पेन और ग्ले कलर फेस हो सकता है, इवन जॉन्डिस भी इसमें हो सकता है। तो इम्यूनाइजेशन बाय हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस ए वैक्सीन टू प्रिवेंट कॉन्फेक्शंस। हेपेटाइटिस ए और बी का जो वैक्सीन है ये उसको लेने से ये उसमें भी काम करता है, हेपेटाइटिस सी में भी वो काम करेगा, और इसके आगे वैक्सीन नहीं बनी है, तो हेपेटाइटिस ए और बी से ही ये काम मतलब रुक सकता है, इसको मतलब बचा जा सकता है इससे, ठीक है। तो ये हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं प्रोटोजोवास एज एजेंट ऑफ डिजीज, ठीक है। प्रोटोजोवास क्या होती है, प्रोटोजोवा एक कॉम्प्लेक्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। यूनिसेलुलर का मतलब होता है इसके सिर्फ एक सेल होती है। और प्रोटोजोवा कौन सी बीमारियां फैलाती हैं, तो प्रोटोजोवा मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस और अमोइबिक डायसेंट्री फैलाता है, ठीक है। अब अमोइबिक डायसेंट्री होता क्या है, ठीक है, अमोइबिक डायसेंट्री एक तरह का इंटेंशनल ट्रैक डिजीज है जो इंसान के बॉडी के अंदर होता है। कैसे, तो देखो इसको फैलाने वाला जो पैथोजन है वो है एंटामीबा हिस्टोरेस्टिया, ठीक है, हिस्टोरेस्टिया ऐसा नाम है इसका, एक बार पढ़ लेना, मैं ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसके बाद इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, तो ये फूड, कंटामिनेटेड फूड या कंटामिनेटेड वाटर से ये फैलता है। अनहाइजीनिक ईटिंग हैबिट, जैसे बिना हाथ धोए खाने खा लेना या फिर सड़क के किनारे खाना खाना, इससे ये फैल जाता है। उसके बाद इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 1 से 4 वीक का होता है, यानी 1 महीने के अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपके बॉडी के अंदर ये जो डिजीज़ का वायरस है वो है या नहीं है। उसके बाद इसमें सिम्टम्स क्या होती हैं, इसमें माइल्ड डायरिया हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, इवन चिल्स आ सकती हैं, आपका शरीर कांप सकता है, एब्डोमिनल क्रेम और हाई टेम्परेचर हो जाता है, स्टोमच क्रैम्प भी इसमें आती है। उसके बाद इसका प्रिवेंशन क्या है, तो इसका प्रिवेंशन ये है कि हम लोग पहले खाने को प्रॉपरली कवर करके रखें, उसके बाद हाथ को खाने के पहले साफ़ किया जाए ठीक से, उसके बाद प्रॉपर वॉशिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, खाने को एकदम अच्छे से साफ़ करके खाया जाए, और अगर हो गया है तो ओरल रिहाइड्रेशन किया जाए, ORS जो वाटर होता है वो पिया जाए, ठीक है, या फिर दाल, सूप, कोकोनट वाटर, इन सबको पिया जाए ताकि हमारा डिहाइड्रेशन नहीं हो। इसके बाद कंट्रोल, तो कंट्रोल है इसका ये टेकिंग फुल रेस्ट, लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड विथ इलेक्ट्रोलाइट्स, तो जो ORS वाटर होता है वो पीना, या फिर नमक चीनी का जो पानी होता है वो पीना, उसके बाद बनाना खा सकते हैं। इसके अलावा इसबगोल सीड्स जो होते हैं उनका पानी या फिर कर्ट का जो पानी होता है वो पी सकते हैं। इसके बाद टेकिंग इमीडिएट मेडिकल एडवाइस, डॉक्टर के पास जा सकते हैं और मेडिकल एडवाइस ले सकते हैं। उसके बाद ये शायद हमारा लास्ट कुछ पार्ट बचा है, ये है हेलमिनेटिक वॉर्म्स एज एजेंट ऑफ डिजीज़। अब कुछ वॉर्म्स होती हैं जो हमारे बॉडी, जो कि इंसान के बॉडी के अंदर कुछ डिजीज़ पैदा करती हैं, तो राउंड वॉर्म, टेप वॉर्म और पिन वॉर्म, ये 3 तरह के वॉर्म्स हैं जो इंसान के बॉडी के अंदर डिजीज़ पैदा करती हैं, ठीक है। तो इसके पहले हम लोग ये थोड़ा सा जो बचा हुआ है इसको हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं, ठीक है।
तो सबसे पहला यहाँ पे डिजीज़ का नाम है मलेरिया। मलेरिया का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 3 वीक्स का होता है, यानी अगर मलेरिया किसी इंसान को आज काटा है, मच्छर उसका आज काटा है, तो 3 हफ्ते के बाद उसके सिम्टम्स दिखना शुरू होंगे। ठीक है, प्लाज्मोडियम एसपी नाम का जो सिंपली एक प्लाज्मोडियम है जो मलेरिया फैलाता है। ये किसके ज़रिए फैलते हैं? तो ये एनाफिलीज मॉस्किटो के ज़रिए फैलते हैं। एनाफिलीज मॉस्किटो जो है वो इस वायरस, इस प्लाज्मोडियम को अपने साथ लेकर जाती है और ह्यूमन बॉडी के अंदर डाल देती है। ठीक है, सिम्टम्स क्या हैं? तो इससे सिंपली रेड ब्लड सेल जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल कम हो जाते हैं, इसके कारण बॉडी चिल करने लगती है, बहुत ज़्यादा बॉडी कांपने लगता है, हाई फीवर आ जाता है और सिंपली बॉडी में वोमिटिंग हो सकती है और हेडेक तक हो सकता है। रेड ब्लड सेल हमारे बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, तो अगर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो तो हमारे बहुत सारे बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो ठीक से काम नहीं करते। ड्रग्स क्या कर सकते हैं, यानी क्या खा सकते हैं, कौन सी दवाइयाँ खा सकते हैं, कैसे बच सकते हैं, प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं इसके लिए? तो इसमें क्लोरोक्वीन बोल के एक ड्रग है, यानी दवाई है, जिसको खाने से हम लोग बच सकते हैं और मॉस्किटो बाइट से बचकर हम लोग इससे बच सकते हैं, और मॉस्किटो के जो ब्रीडिंग ग्राउंड्स होती हैं उनको तबाह करके हम लोग मॉस्किटो को पैदा ही नहीं होने दे सकते। इससे क्या होगा, मॉस्किटो पैदा ही नहीं होगा तो मॉस्किटो हमें काटेगा ही नहीं, और मॉस्किटो काटेगा ही नहीं तो हमें ये होगा ही नहीं। इसके बाद अमोइबिक डाइसेंट्री, ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, इसका इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 4 वीक का होता है। उसके बाद ये किस लिए फैल रहा था? तो ये जो ये वायरस है, एंथोमीबा हिस्टोलिस्टिया नाम का जो वायरस है, इसके कारण ये फैल रहा था। ठीक है, ये एक मेरे ख्याल से एक वायरस नहीं है, ये एक आपका जो पैरासाइट या फिर ऐसे जो प्लाज्मोडियम होता है ये वो है। ठीक है, ये कंटेमिनेटेड फूड और अनहाइजीनिक हेल्दी हैबिट से ये होता है। इसमें क्या होता है, इसमें डायरिया होती है, एब्डोमिनल पेन होता है और हमारा वोमिटिंग हो सकता है, अल्सर हो सकता है, नॉजिया हो सकता है, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। आप ये पढ़ के आराम से समझ सकते हो, मैंने पहले ही इसको कंप्लीट कर दिया है। इसमें ड्रग्स ले सकते हैं हम लोग, तो इसमें ये वाला जो ड्रग है मेट्रोनडाजोल नाम का जो ड्रग है ये ले सकते हैं, और पैरासाइट्स को किल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो हाँ, अमोइबिक डायसेंट्री एक पैरासाइट से होता है। इसके बाद इसमें अब एक और प्रॉब्लम है, स्लीपिंग सिकनेस, ये भी एक तरह का डिजीज़ है। ये 7 से 14 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड होता है इसका। ठीक है, और ये इस वाले जो पैरासाइट है उससे होता है, तो इसका नाम पढ़ लेना, ये बहुत बड़ा नाम है। ये कैसे फैलता है? तो ये सिंपली फ्लाई के ज़रिए फैलता है, जो मक्खियाँ होती हैं ये वो फैलाती हैं। इसमें फीवर, हेडेक, जॉइंट पेन, इचिंग, स्वेलर लेम्स और स्लीपिंग साइकिल में डिस्टर्बेंस आ सकती है, यानी नींद नहीं आती इसमें। इससे कैसे बच सकते हैं? तो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिंग ड्रग्स ले सकते हैं, जैसे मिलारोसपोल। ठीक है, इस तरह के जो ड्रग्स होती हैं उनको खाकर इनसे बचा जा सकता है या फिर इसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अब इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं, इन वॉर्म्स वाले जो पार्ट थे उनको हम लोग यहाँ पे अब कंप्लीट करते हैं। तो देखो, वॉर्म्स जो होते हैं वो बहुत ही मतलब नाजुक होते हैं, उनके अंदर किसी तरह का डाइजेस्टिव सिस्टम तो होता ही नहीं है, यानी वो खाना को अपने पास डाइजेस्ट तो नहीं कर सकते, इसलिए वो क्या करते हैं, बॉडी के अंदर चले जाते हैं इंसान के, और कहाँ जाते हैं, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाते हैं, जहाँ पे हम लोग अपना जो हम लोग खाना डाइजेस्ट कर लेते हैं वो हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन पे ही रखते हैं। ठीक है, और वहाँ पे ये जो वॉर्म है ये वहीं पे रह जाता है और एकदम हमारा जो डाइजेस्ट किया हुआ फूड है उस पे पार्टी करता है और एकदम अच्छे से उसको खाता पीता है और बड़ा होता है। ठीक है, और इनके अंदर कोई हाथ पैर तो होता नहीं है। ठीक है, इनके पैर और कुछ होते ही नहीं है, तो ये मूव भी नहीं करते, इनको ज़रूरत भी नहीं है मूव करने का, ये बस हमारे किसी तरह से इंसान के स्मॉल इंटेस्टाइन पे पहुंच जाए और वहाँ पे रह कर वो पूरी तरह से पार्टी करके खाना पीना खा के वहाँ पे ज़िंदा रह सकते हैं। लेकिन अब रहना तो एक बात है, लेकिन ये प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देते हैं बहुत ज़्यादा। तो देखो, इसमें एलिफेंटाइसिस नाम का एक डिजीज़ हो जाता है, जिसमें इंसान के जो पैर हैं वो इस तरह से बहुत फूल जाता है। ठीक है, और ये जो वॉर्म्स होते हैं वो इतने बड़े हो सकते हैं। ठीक है, और ये आराम से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में रह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद व्हाट इज होस्ट ऑर्गेनिजम्स, होस्ट क्या होता है? तो ये जिस एनिमल या जिस इंसान के बॉडी के अंदर ये जाएंगे वो इंसान या बॉडी इसका होस्ट होगा। ठीक है, तो जिसके अंदर रहेंगे ये, जिसके अंदर से अपना खाना लेंगे, नरिशमेंट लेंगे, शेल्टर लेंगे, ये उसी को अपना होस्ट बना देंगे। ठीक है, तो अगर किसी इंसान के अंदर वो वॉर्म घुस गया है तो वो वॉर्म के लिए, वो जो इंसान उसके लिए क्या है, होस्ट है। ठीक है,
होस्ट में भी डिफरेंट टाइप्स, अब अलग अलग तरह के होस्ट भी हो सकते हैं। सबसे पहला डेफिनेट होस्ट है, ठीक है। अगर कोई पैरासाइट अपने एडल्ट स्टेज में है और वो अंडे दे रहा है, एग दे रहा है या फिर रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो वो जो जिस इंसान के अंदर रहेगा, जिस इंसान के अंदर वो अंडे देगा, उसे ही कहेंगे हम लोग डेफिनेट होस्ट। इसके बाद इंटरमीडिएट होस्ट, ये जो लार्वा होता है अपने जो प्री मैच्योर एज में जो होता है, वो जिस इंसान जिस एनिमल के बॉडी में रहेगा उसे कहा जाएगा इंटरमीडिएट होस्ट। और उसके बाद लास्ट है रिजर्वर होस्ट। रिजर्वर होस्ट वो होता है जो दूसरे होस्ट के अंदर वो अपना जो पैरासाइट है वो फैलाएगा, ठीक है। तो मैं आपको ड्राइंग से दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे ये जो पहला जो है, ये जो सिंपली एक छोटा सा छोटा कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा नहीं हो रहा है तो इसको हटाते हैं। हाँ, तो यहाँ पे जो पहला जो ये है हमारा, एक ये प्लाज्मोडियम है एक तरह से, ठीक है। इसने ये अंडे देता है, ठीक है। अब ये अंडा जो है ये डायरेक्टली इंसान के अंदर तो नहीं आ सकता, तो क्या होता है, देखो जो अंडा है वो किसी तरह से इस सुअर के अंदर चला जाता है, इस पिग के अंदर चला जाता है। तो ये पिग क्या होगा, ये पिग उसके लिए इंटरमीडिएट होस्ट है। ये कुछ देर तक उसके अंदर रहता है, अच्छा से बड़ा होता है, और इसके बाद अगर कोई इंसान इस पिक को खा ले, ठीक है, इस पिक का मीट जो है वो खा ले, या फिर इस पिक को मतलब किसी तरह से ये पिक से वो इस इंसान के अंदर चला जाए, तो ये जो इंसान है ये उसके लिए डेफिनेट होस्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ पे तो समझ में आया होगा, नहीं आया तो एक बार पढ़ लो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। वैक्टर क्या होते हैं, तो वैक्टर वो होता है जो इज़ अ होस्ट विथ ट्रांसमिट पैरासाइट टू अ मैन एंड एनिमल। तो वैक्टर वो होते हैं जो इंसान के अंदर और एनिमल्स के अंदर उस पैरासाइट को पहुंचाते हैं। नॉर्मली हम लोग देखे थे कि मॉस्किटो जो था वो मलेरिया को पहुंचा रहा था, वहाँ पे यहाँ पर भी हमारा जो वैक्टर है वो सिंपली जो एक तरह का टेप वार्म होता है वही है। इसके बाद हम लोग यहाँ तक तो पहुँच चुके हैं, और ये लास्ट पार्ट है हमारा। सबसे पहला यहाँ पर डिजीज़ है अस्क्राइसिस, ठीक है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 10 से 14 डे का होता है, यानी 40 डे का होता है, यानी अगर किसी को ये हुआ है तो 10 से 40 दिन तक पता तक नहीं चलेगा कि ये उसे हुआ है, और इसके 10 या 14 या 50 डेज के बाद ही उसे अंदर ये पहले जो सिम्टम्स हैं वो दिखेंगे इस डिजीज़ के, ठीक है। ये फैलता कैसे है, कौन सा एजेंट है जो इसे फैलाता है, तो राउंड वर्म जो होता है, कॉमन राउंड वर्म, वो इसे फैलाता है। ये कैसे फैलता है, तो ये सॉइल और वाटर से फैलता है, सॉइल और वाटर में इसके एग होते हैं, और अगर किसी तरह से इंसान इसके एग को अपने अंदर ले ले या खा ले, या फिर किसी तरह से हमारे बॉडी के अंदर चले जाए, तो ये हमारे बॉडी के अंदर फैला देते हैं। इसके सिम्टम्स क्या हैं, तो इससे हमारे जो स्टूल होती है उसमें इसके एग्स आ सकते हैं, खुजली हो सकती है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है, कुछ खाने पीने का मन नहीं करेगा, मैल न्यूट्रिशन हो सकता है, यानी न्यूट्रिशन का कमी हो सकता है। इसके अलावा नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, रात को देखने में तकलीफ हो सकती है, रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ इन चिल्ड्रंस, यानी जो बच्चा होता है वो मतलब उसके जो ग्रोथ होती है वो रुक सकती है। इसके अलावा हमारा जो बाइल डच है उसमें प्रॉब्लम्स हो सकती है, और जॉन्डिस हो सकता है उसके वजह से। इसके बाद टॉक्सिक रिलीज जो होती है इस वर्म की वजह से, उससे एलर्जीज हो सकती हैं, ठीक है। इससे कैसे हम लोग इसको कंट्रोल या प्रिजर्व कर सकते हैं, कैसे इससे बच सकते हैं या इसे ठीक कर सकते हैं, तो इसमें ड्रग्स लेने पड़ते हैं, दवाइयाँ खानी पड़ती है, मेबेंडाजोलोल का ये दवाई है ये खाना पड़ता है, और सिंपली रॉ वेजिटेबल्स, सैलेड्स, इन सबको ठीक से वॉश करके खाना खाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमारा जो दूसरा डिजीज़ है वो है टिटनेसिस, ठीक है। इसको टिटनेस भी बहुत जगह पर बोला जाता है, ठीक है। ये टिटनेटिस जो होता है इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है ये 7 से 12 वीक का होता है, ठीक है। तो ये जो सॉलियम है टेनिया सॉलियम जो है वो पोक टेपवर्म कहलाता है, क्योंकि ये पोक से फैलता है, यानी जो पिक का मीट है ये उससे फैलता है, और टेटनिया सॉगिनेटा जो है ये बीफ टेपवर्म है, क्योंकि ये सिंपली जो बीफ होता है ये उससे फैलता है, ठीक है। अनकुक्ड बीफ या पोक अगर खा ले कोई इंसान तो ये उसके बॉडी के अंदर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ये सिंपली इसके सिम्टम्स क्या हैं, तो इसका भी प्रेजेंस दिखेगा हमारे बॉडी के अंदर, स्टूल के अंदर। उसके बाद अडल्ट वर्म्स जो होती हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चली जाती हैं, तो कुछ कोई सिम्टम्स नहीं आते, ये वहाँ पे रह के आराम से खा सकते हैं, पी सकते हैं, लेकिन कभी कभी ये बहुत बड़ी हो जाती हैं तो ये अबडोमिनल डिस्कम्फर्ट लाने लगती है, यानी आपके पेट में अगर कोई बड़ा सा वर्म है तो डिस्कम्फर्ट तो होगा ही,
उसके बाद डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है, इवन हमारे मसल्स जो होती हैं वो वीक हो सकती हैं, और आई और ब्रेन जो होती है वो मतलब बहुत ही कमज़ोर हो सकते हैं, ठीक है। और हमारी आंखें जो है वो भीतर घुस सकती हैं, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो मैल न्यूट्रिशन जैसा प्रॉब्लम भी आ सकता है। इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, तो इसको ऐसे ड्रग्स लेने पड़ेंगे, यानी दवाइयाँ खाने पड़ेंगी। एक दवाई का यहाँ नाम है, प्रांजिक्वेंटल नाम का एक दवाई है, जो खाने से ये ठीक हो सकता है। हाथों को धोया जाए, वॉशिंग हैंड्स, और प्रॉपरली बीफ और पोक को कुक करके खाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो कंटामिनेटेड फूड और कंटामिनेटेड वाटर है उसको नहीं खाना चाहिए, पानी को साफ करके, खाने को साफ करके खाना चाहिए। इसके बाद लास्ट पार्ट है हमारा एलिफेंटासाइसिस। आपने थोड़ी देर पहले वो जो पिक्चर देखा जिसमें पैर बहुत फूल गया था, वही था एलिफेंटासाइसिस। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है ये 1 ईयर से ज़्यादा का होता है, ठीक है, यानी 1 साल तक तो पता तक नहीं चलता कि ये बॉडी के अंदर है। ये कैसे फैलता है, तो ये आप पढ़ लेना इस वायरस का, या फिर इस सिंपली जो इस पैरासाइट का नाम, इस वॉर्म का नाम, इसको फैलाता कौन है, इसको क्यूलेक्स नाम की जो मॉस्किटो है ये वो फैलाते हैं। यानी अगर आपको क्यूलेक्स नाम का मॉस्किटो काट ले तो ये आपके अंदर पहुंचा सकता है एलिफेंटासाइसिस के सिंपली जो उसका जो वॉर्म है उसको, ठीक है। इसमें होता क्या है, तो इसमें जो वॉर्म है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलीज करता है, जिसके कारण स्वेलिंग आ सकती है, रेडनेस आ सकता है, पेन आ सकता है, और हमारे टिश्यूज जो होती हैं पैरों के, हाथ के, या फिर पेनिस या ब्रेस्ट के, वो सब बहुत ही मतलब फूल जाते हैं, ठीक है। 15 से 3 दिन तक इसमें हेडेक हो सकता है, पेन हो सकता है, और हमारा जो एक्सट्रीम स्वेलिंग है वो हो सकता है, पैर बहुत ही फूल सकते हैं, इसलिए इसको एलिफेंटासाइसिस कहा गया है, ठीक है। इससे कैसे बचा जा सकता है, कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, तो इसमें ओरल एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं, उसके बाद फंगीडियल ऑइंटमेंट्स ले सकते हैं इसमें, उसके बाद अवॉइड शेयरिंग ऑफ आर्टिकल्स ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। अगर किसी इंसान को ये हुआ है तो उससे दूर रहा जाए, उसके जो कॉम्ब, ब्रश या कैप है, या फिर जो हैट है उसको यूज़ करने से बचा जाए, ठीक है, इससे हम लोग इससे बच सकते हैं। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा, और अभी तक आपने ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, अगर तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।